हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित एक और नए वीडियो के साथ इंडिया बिनोकुलर शॉप से। ये आज जिस टेलीस्कोप की हम बात कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, ये 80mm रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप है और 720mm फोकल लेंथ में ये आता है। इसके साथ दो आईपीस आते हैं, एक 25mm में कैलनर आईपीस है, ये वाला 25mm, और दूसरा ये 10mm आईपीस है। तो जो 25mm आईपीस है, ये आपको पावर देता है करीब 29x की, और जो 10mm है वो 72x की पावर देता है। कंपनी साथ में आपको एक 3x बार्लो भी देती है। तो 3x बार्लो अगर हम 25mm में यूज़ करते हैं तो करीब 8 या 9mm आईपीस हमारा बन जाता है। तो जो पावर है वो करीब रफली 86x है। उस पर हमने टेस्ट किया टेलीस्कोप, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। सिमिलरली 10mm आईपीस जब आप यूज़ करते हैं तो 72x पावर आती है। प्लैनेट्स पे, जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रेंड्स, कई वीडियोस में मैंने रिपीट किया कि हमें थोड़ी पावर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि प्लैनेट्स नॉर्मली 40, 50, 60x पे दिखना शुरू हो जाते हैं। सैटर्न के रिंग्स, जुपिटर के बैंड्स, मून के क्रेटर्स, वीनस क्रेसेंट शेप में मून की तरह, तो ये देखने के लिए जितनी मैग्नीफिकेशन रहे उतना बेटर है। लेकिन मैग्नीफिकेशन कंड्यूसिव है टेलीस्कोप की फोकल लेंथ पे, कि टेलीस्कोप की फोकल लेंथ कितनी है, लाइट कितना ट्रेवल कर रही है, और दूसरा आईपीसीज जो हैं उनकी फोकल लेंथ क्या है, आईपीसीज की क्वालिटी क्या है और एपर्चर क्या है। ये तीन चीज़ें हैं जो मैग्नीफिकेशन डिसाइड करती है। अपार्ट फ्रॉम मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन मैं एक बार फिर बता दूँ, बहुत से लोग इनैमर्ड होते हैं, इंचांटेड होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं कि ज़्यादा मैग्नीफिकेशन वाले टेलीस्कोप बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं है, मेन चीज़ अपर्चर है, ऑप्टिक्स हैं, जो लेंसेज हैं जिनसे आपने देखना है उनकी क्वालिटी है, और स्टैंड, ये तीन चीज़ें मेन फैक्टर हैं। 80mm टेलीस्कोप की आज हम बात कर रहे हैं। 80mm थ्योरेटिकली स्पीकिंग 160, 170, 180x तक हम पावर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर हम 10mm आईपीस यूज़ करते हैं 3x बार्लो के साथ जो कंपनी साथ में दे रही है, तो करीब 200x तक पावर इसकी आती है। पिक्चर काफ़ी डिम हो जाती है, लेकिन पिक्चर बनती है। मैंने जो टेस्ट किया, जहाँ तक डे टाइम की बात करें, डे टाइम में हमें प्लैनेट्स तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप कहीं लेके गए हैं तो हिल स्टेशन पे या डार्कर एरियाज़ में, जहाँ एस्ट्रोनॉमी के बेटर चांसेस हैं, आपको स्टार क्लस्टर्स, नेब्यूलास और गैलेक्सीज़ भी इससे टेलीस्कोप से नज़र आ जाएंगी। सिटी के स्काई से थोड़ा मुश्किल है गैलेक्सीज़ का, हालांकि ब्राइट ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आएंगे, जैसे सैटर्न, जुपिटर, प्लैनेट्स और मून वगैरह, उनके क्रेटर्स वगैरह, कुछ ब्राइट स्टार नेब्यूलास और कुछ स्टार क्लस्टर्स और ऑरियन नेब्यूला, इस टाइप से डबल स्टार, वेरिएबल स्टार्स भी कुछ नज़र आ सकते हैं सिटी के स्काई से। लेकिन अगर आप डार्क स्काई पर लेके जाएँ तो आप गैलेक्सीज वगैरह भी या और कुछ डिम और फेंट बॉडीज़ पकड़ सकते हैं। एजेड माउंट पे ये टेलीस्कोप है, इसमें ये एक स्लो मोशन भी आपको दिया हुआ है, कंपनी जो दे रही है आपको बेसिकली एक, और दूसरे इसमें आप पूरा टेलीस्कोप को 90 डिग्री ले जा सकते हैं, जो मैंने देखा। सॉलिड स्टैंड है, जो मैंने स्टैंड की अगर बात करूं, मैं बार बार इस कंपनी की, ये तैवान की कंपनी है, और भी इसके वीडियोस हमने बनाए, स्टैंड की अगर मैं बात करूं तो स्टैंड इसका काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, सॉलिड लगता है। हालांकि डुअल फोर्क बेस्ड ये टेलीस्कोप है, स्लो मोशन केबल्स तो इसमें नहीं है, एक ही है इसमें जो दी हुई है बेसिकली। स्टैंड बड़ा सॉलिड है, ट्यूब एक अच्छी प्रीमियम फील आती है, एक अच्छी एस्थेटिकली अपीलिंग ट्यूब है। आईपीसीज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कैलनर आईपीस है, रेड डॉट फाइंडर कंपनी ने दिया है, जिससे आप सेंटर करके, आईपीस के सेंटर से अलाइन करके आप ऑब्जेक्ट्स फाइंड कर सकते हैं स्काई मैप प्रेफर करके नाइट को। और डे टाइम की अगर मैं जो बात कर रहा था, अगर आप बाहर के स्काईज में लेके जाते हैं कहीं दूर हिल स्टेशंस में या फॉरेस्ट एरियाज़ में, और आपने डे टाइम में भी टेलीस्कोप यूज़ करना है वाइल्ड लाइफ या सीनरीज पे, तो डेफिनेटली ये यूज़ेबल है। इरेक्ट इमेज आपको दिखाता है, हालांकि रिवर्स दिखाता है, जो लेफ़्ट में चीज़ होनी चाहिए वो राइट में दिखाएगा और राइट वाली चीज़ लेफ्ट में दिखाता है। तो इरेक्ट इमेज डायगनल है, एक ट्रू रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप है, और 200x पावर तक हमने इसे ट्राई किया तो इमेज बनती है उसमें, हालांकि इतनी शार्प नहीं रहती, डिम रहती है, लेकिन 140-150x पर मैंने जब दूसरे आईपीसीज लगाए तो इमेज काफ़ी शार्प थी। जो आईपीसीज कंपनी साथ में देती है उससे इमेज भी काफ़ी शार्प थी।
प्लैनेट्स डीप स्काई दोनों के लिए एक अच्छा स्टार्टर टेलीस्कोप है। करीब 14,500 का वॉक इन प्राइस आपको मिलता है हमारी शॉप पे, और अगर आप मुझे कहेंगे कि कोरियर करना है तो मैं कोरियर भी कर दूंगा, उसका चार्जेस एक्स्ट्रा आएंगे, बाय एयर भेजूंगा। अगर इसकी कंपैरिजन करें तो अगर मैं सोचूं इसके कंपेयर में कौन से दूसरे टेलीस्कोप्स हैं मार्केट में, तो मेरे ख्याल सेलेस्ट्रॉन का पावर सीकर 80 में AZ करके मुझे याद आता है। वो जो टेलीस्कोप है 80mm, वो फोकल लेंथ में से काफ़ी कम है, तो प्लैनेट्स पे वो बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगा। और क्योंकि पावर सीकर सीरीज़ का है तो उसमें वही प्रॉब्लम है, 4mm आईपीस जिसका आई रिलीफ बहुत पुअर है। बहुत से नए लोगों को, बिगनर्स को दिखाई नहीं देता 4mm से, उससे फोकस नहीं कर पाते, बहुत दिक्कत होती है, कंफर्ट नहीं आया इसका आता। लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है क्योंकि इसमें 10mm का आईपीस देती है। अगर आप जूम करें तो ये 10mm का आईपीस है, तो इसके एक अच्छा, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा 10mm का आई रिलीफ है, और अच्छा हैवी मेटल में है, 2-3 एलिमेंट ग्लास है। कुल मिला के बड़ा अच्छा पैकेज है, 2 आईपीसीस के साथ, बार्लो के साथ, एक अच्छे स्टैंड के साथ, 720mm फोकल लेंथ का रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप 80mm में, आप इसको 180-200x पावर तक ले जा सकते हैं। दूसरे कंपटीशन में जो दूसरे टेलीस्कोप्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इसके मुकाबले अप टू मार्क नहीं है, ये उससे बेटर है। अगर आप सेलेस्ट्रॉन की बात करें, या आप इनफैक्ट इवन मीड की बात करें, मीड का एक इन्फिनिटी मॉडल आता है 80mm, जो करीब 20-25,000 का मिलता है, ये 14,500 का है, वो 20-25,000 है, उसकी भी फोकल लेंथ कम है टेलीस्कोप की, करीब 500 या 600 के करीब मिलीमीटर है, इसकी 720mm है। और पावर सीकर 80AZ की जो फोकल लेंथ है वो सिर्फ 400 है, तो उस हिसाब से ये उससे बेटर परफॉर्मेंस देगा प्लैनेट्स पे। डीप स्काई वे भी ठीक है, और अगर आपको बड़े अपर्चर चाहिए तो 90 और 100mm में भी मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे पास ED रिफ्रैक्टर भी आपको मिल जाएंगे, एपोक्रोमेटिक ED में ट्रिपलेट बक्सा का मिल जाएगा, करीब 62,000 का आपको ऑप्टिकल ट्यूब मिलेगी बक्सा का, ED एपोक्रोमेटिक ट्रिपलेट रिफ्रैक्टर। स्काई वॉचर का 102mm में एपोक्रोमेटिक ED रिफ्रैक्टर, बहुत बढ़िया ऑप्टिकल ट्यूब है, एक एल्युमिनियम बॉक्स में आती है, वो आपको करीब 95,000 का पड़ता है, स्टैंड अलग होगा उसमें, और कुछ कॉम्बिनेशन स्टैंड्स के साथ भी हैं, सिंपल एक्रोमैट रिफ्रैक्टर्स 90 और 100mm में, वो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको होम डिलीवरी दे दूंगा, आप किसी भी शहर में हो इंडिया के। तो उम्मीद है ये रिव्यू 80mm टेलीस्कोप का, रिफ्रैक्टर का, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मेरा नंबर 9899212222, या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स डाल सकते हैं, कुछ और आपकी रिक्वायरमेंट है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट indiabinoculars.com, मेरा दूसरा व्हाट्सएप नंबर 9560687095, हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।